आज मैं आपको दिखाता हूँ जैम का दोगलापन। यार एसी की कैटेगरी अगर अपने को ढूंढनी है, वॉल एसी की देखते हैं। एसी लिखा इसमें हमने, और कूलिंग में गए, पैनल फ्लोर टाइप एसी है इसमें, ठीक है। इसमें एसी वॉल एसी नहीं मिला, देखो डक्ट एसी वगैरह सब कुछ मिल रहा है पर वॉल एसी नहीं मिल रहा है। देखें एक बार, वॉल एसी है नहीं है। अब हम इसमें लिखते हैं एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर में मैं देखते हैं इसमें अपने को वॉल एसी मिल रहा है क्या। देखो इसमें भी कहीं पर अपने को वॉल एसी नहीं मिला, ठीक है। तो अगर आपको एसी की कैटेगरी ढूंढनी है वॉल एसी की, तो आपको लिखना पड़ेगा वॉल एसी। अब हम देखते हैं वॉल एसी, देखो देख रहे हो वॉल एसी मिल गया अपने को। स्प्लिट एयर कंडीशनर इंक्लूडिंग ग्रीन एसी वॉल माउंट टाइप। तो जब भी आपको ये कैटेगरी चाहिए हो, वॉल एसी की कैटेगरी ढूंढनी हो, कैटेगरी बंद नहीं हुई है, पहले मेरे को भी लगा कैटेगरी बंद हो गई होगी यार, पर कैटेगरी बंद नहीं हुई है, Q2 में है कैटेगरी। बट दिक्कत ये है कि अब ये जो कैटेगरी है वो ऐसे करके मिलेगी, और हाल फिलहाल में ये कैटेगरी चेंज भी हुई है। मैं पुरानी कैटेगरी आपको दिखाता हूँ, एक कस्टमर है जिनके पास OEM ऑथराइजेशन भी है, इनका जो केस है उसका मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, आपको शेयर करूंगा। जो पुरानी कैटेगरी थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पुरानी कैटेगरी ये थी, स्प्लिट एयर कंडीशनर इंक्लूडिंग ग्रीन एसी, और दूसरी स्प्लिट एयर कंडीशनर इंक्लूडिंग ग्रीन एसी V2 V3 करके, ये दो कैटेगरीज पुरानी कैटेगरी है। थैंक यू। इसके अलावा पेड सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट करें 8120812811 पर। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।